सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम सभी का स्वागत है तुम्हारे चैनल रेडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पीई, हमारी एपिसोड लेट्स प्ले सीरीज, हमारी एपिसोड 29। और इस एपिसोड में आपको बताऊंगा डेकोरेटिव आइटम्स के बारे में, जैसे हुआ आपका बैनर और पॉट और भी बहुत कुछ है। सो उसको जानने के लिए हमें पहले ये लाइन बोलना होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ठीक है गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे पेंटिंग के बारे में। और अगर आपको नहीं मालूम पेंटिंग क्या है तो मैं आपको दिखा दूँ। मेरी कुछ पेंटिंग यहाँ से गिर चुकी है, जो मतलब यहाँ पर लगी थी, पता नहीं कहाँ गई, गायब हो गई। तो इससे मेरे को बहुत ही बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि पेंटिंग आसानी से नहीं बनती, बहुत सारे वो लगते हैं इसमें। सीख मिलता है वूल, तो यहाँ पर ये होती है पेंटिंग। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो पेंटिंग, वो भी अपने क्राफ्टिंग टेबल के मदद से। सो जल्दी जल्दी भग के चलते हैं हमारे क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो उसकी रेसिपी कुछ ये है। एक वूल आर्ट स्टिक, तो मैं दो पेंटिंग यहाँ बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब पेंटिंग कैसी भी हो सकती है, पेंटिंग बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी। मैं आपको अगर यहाँ पर लगा के दिखाऊँ तो ये टू ब्लॉक की बनी। अगर मैं यहाँ एक ब्लॉक लगा दूँ और करूँ तो देख सकते हो वन ब्लॉक की बनी, और ये इससे भी बड़ी बन जाती है पेंटिंग। एक मिनट रुक जाओ, ओ सॉरी मैं ही गलत कर रहा था, ओ शेट, दो ब्लॉक यहीं से गए, कोई नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी पेंटिंग तो यहाँ पर बन जाएगी। ये तो दो ही ब्लॉक की बनी, ये भी दो ब्लॉक की बनी, उससे बड़ी बनानी है यार। अरे टूट जा, मैं आपको कोई बड़ा सा दीवार ढूंढा लेकिन मेरे को मिल गया। तो देख सकती हो और ये बड़ी पेंटिंग हुई, और ये हर बार रैंडमली जनरेट होती रहती है, जो कि एक अच्छा फीचर नहीं है माइनक्राफ्ट में। ये आपके हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हो ये फिर से यही बना, बहुत से जल्दी टूटते हैं। इस बार कुछ अलग बना, ओके आई लाइक इट, और एक यहाँ डाल देता हूँ। तो पेंटिंग का यूज़ ऐसा होता है, इसे आप डेकोरेटिव बना सकते हैं। मेरे घर पे आपको बहुत कम पेंटिंग मिलेगा, क्योंकि मैं पेंटिंग मेरे को अच्छा लगता है, डेकोरेटिव रहता है, लेकिन मैं उसको कोई बनाया नहीं अपने घर के लिए, आपको ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं दिखेगी। और जो अगली चीज़ है वो है हमारा पॉट। तो पॉट बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा क्ले, और क्ले को आपको अपने फर्नेस में चलाना है। बट आई नीड समथिंग टू बर्न डैम, मैं एक ब्लॉक ऑफ कोल लेता हूँ इतने में, और ये ब्लॉक ऑफ कोल और ये इसमें। तो आपको बस अपना क्ले को इसमें रख देना है जलने के लिए, तो उसके बाद ब्रिक बन जाएगी। तो उसके बनते तक हम कुछ और कर लेते हैं। तो जो और है वो है आपको कारपेट। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो भी वूल है वैसे आपको कारपेट बन जाएगा। अगर आपको वाइट वूल है और बांध के चलो आप, ओ शिट ये मेरा भाई, यहाँ पर सॉरी यहाँ रेड कारपेट था ही नहीं, मेरे को लगा वहाँ पर रेड कारपेट लगा है और अचानक से गायब हो गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है आपका वाइट कारपेट और एक डाई, और अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ सो मैं इसको नहीं, इसको मेरे को कलर करना है, सो आई कैन डू लाइक दिस। ओके आई थिंक मेरे को कुछ ऐसे करना रहता है इसमें कलर, मैं एक बार और बना लेता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। और मैं एक वो भी बना सकता हूँ कि बहुत कुछ मुझे नहीं मालूम था गाइस, जो आज मुझे मालूम पड़ा। आपको इसको बीच में रखना है और इसको चारों तरफ रख देना है कुछ ऐसे, जिससे आपको ये कारपेट भी कलर होके मिल जाएगी, एक डाई से आठ कारपेट। और लिटरली सही बताओ तो कारपेट बहुत ही सही आपका डेकोरेटिंग आइटम है। मेरे को तो सही में कारपेट बहुत सही लगता है, कारपेट आपको कहीं भी लगा सकते हो, मैं इसको भी यहीं लगा देता हूँ। और जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा पॉट, यानी कि पॉट अभी तक तो हो जाना चाहिए, ओके अभी तो और एक है हो चुका। तो अभी 10 ब्रिक है, मैं आपको 10 ब्रिक से बना के बताता हूँ। ऐसे तो आपको 3 ब्रिक चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है रेसिपी पॉट का, आपको 3 ब्रिक लगते हैं। तो मेरे पास अभी जितने बने मैंने बना लिए, और पॉट लिटरली बहुत ही तबाही चीज़ है यार, क्या बताऊँ पॉट के बारे में। आप इसमें ना फ्लावर रख सकते हो और कोई से भी सैपलिंग रख सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ अगर मेरे पास सैपलिंग रखी हो, वेट अ सेकेंड, मेरे पास अगर सैपलिंग नहीं है तो मैं लेके आ जाता हूँ। सामने मेरे ट्रीज़ हैं,
मैं एक सैपलिंग लेके आ जाता हूँ। ओके जल्दी से एक सैपलिंग मिल जा। ओ शेट, मैं तो सिल्क टच से कर रहा हूँ, मुझे सिल्क टच से नहीं करना। मैं इसे करता हूँ, जल्दी से एक सैपलिंग मिल जाए बस, फिर मैं आपको दिखा दूँ सैपलिंग भी आप कि ओके सैपलिंग मिल चुकी है। तो आप कोई सी भी सैपलिंग, कोई सी भी ट्री की सैपलिंग आप इसमें लगा सकते हो, आप इसमें कैक्टस भी लगा सकते हो। और लिटरली सही बताओ तो कैक्टस बहुत ही प्यारा लगता है इसके साथ। और ये मैंने लगाया सैपलिंग कुछ इस तरीके से। तो पॉट के बाद जो अगली चीज़ है वो है बैनर। और बैनर को तो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता, बैनर तो भाई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए तो एक पर्सनल वीडियो बनेगी, हमारी सीरीज़ में नहीं। तो बैनर की रेसिपी कुछ ये होती है, आप कोई से भी बैनर बना सकते हो। मैं कान जो भी इसका नाम है वो बैनर एक बना लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, ये ब्रिक क्यों अंदर चले। और मैं आपको ये बैनर लगा के दिखाता हूँ, तो देख ही सकते हो यार बैनर कितना सही लगता है। और ये तो कुछ नहीं है यार, आप इस पर डेकोरेट भी कर सकते हो। अगर आपने किसी YouTube वीडियो ने मैं देखा है तो आप उसे डेकोरेट भी कर सकते हो। और अगर आपने नहीं देखा तो टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना भाई, भाई तुम्हारा है ना यार, मैं बनाऊँगा वीडियो तुम्हारे लिए। तो मैं बैनर के ऊपर एक वीडियो बनाना तो चाहता हूँ, और मैं जल्दी हो सके तो बनाऊँगा भी वीडियो। ओके तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको डेकोरेटिव आइटम्स बनाए बताए, जैसे कि आपका हुआ कारपेट, कारपेट के बाद आपका हुआ पॉट, पॉट के बाद आपका बैनर, बैनर के बाद आपका पेंटिंग। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स है गाइस जो इस हमारे माइनक्राफ्ट में हैं, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बता नहीं सकता, वो मैं हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और DG Army के मेंबर बन जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।